अनुच्छेद 309 को अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये प्रोविजन केंद्र और राज्यों में जो नौकरियां होती हैं उसमें रिक्रूटमेंट और उसकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज इससे संबंधित है। यानी कि जो रिक्रूटमेंट है और कंडीशन ऑफ सर्विसेज है वो चाहे केंद्र में हो या राज्यों में, उसमें जो नियम बनाने का या उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाने का जो प्रोविजन है वो केंद्र की नौकरियों के लिए संसद के पास और राज्यों की नौकरियों के लिए विधानमंडल के पास होता है। लेकिन जब तक संसद या विधानमंडल उन नौकरियों के लिए और उसमें जो रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विसेज के लिए कानून नहीं बनाते हैं तब तक केंद्र के मामले में राष्ट्रपति और राज्यों के मामलों में गवर्नर वहां नौकरियों से संबंधित नियम कानून नियम बनवा सकते हैं और वो जो नियम बनेंगे वो संसद या राज्य की विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून के तरह ही मान्य होंगे जब तक कि संसद या राज्य विधानमंडल वहां पर उन नौकरियों के लिए जो रिक्रूटमेंट है और कंडीशन ऑफ सर्विसेज है उसके लिए कानून नहीं बना देते हैं। बस यही है अनुच्छेद 309 में।